हेलो स्टूडेंट्स आई एम बैक अगेन विथ योर सब्जेक्ट इंग्लिश आवर यूनिट थ्री फ्रॉम वर्क बुक आज हम वर्क बुक में से पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट डज द पोएट टेल टू डू पोएट हमें क्या करने के लिए बोल रहे हैं तो द पोएट टेल टू रन एंड रन एंड बी हैप्पी ऑल थ्रो द्रो द टाइम द डे यानी पोएटे दौड़ो और प्लेस वेट वू रन हमें पोएट कहाँ कहाँ दौड़ने के लिए कहाँ कहाँ रन करने के लिए दौड़ने के लिए बोल रहे है तो आंसर है द पोएट वेंट अस टू रन टू द कंट्री अंडर द ट्री डाउन दिल्स हिल्स साइड अप यानी दीडोइ हमें बोल रहे द uh, के दौड़ना है under the tree, 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 tree के वहां दौड़ना है लेन एंड थ्रो द मीडो यानी जहाँ पे घास है हरियाली है वहां दौड़ना है देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है विथ uh, with whom does the poet went us to run little race yani kiske sath hame little race lagane ke liye bol rahe the poet went us to run little race with the with each the each little busy yani choti choti चीज छोटी छोटी क्षण के लिए साथ हमें race लगाने के लिए बोल रहे हैं देन सेकंड नंबर का क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स हमें क्या करना है ए बी सी डी में से हमें जो ऑल्टरनेटिव परफेक्ट ऑल्टरनेटिव आता है जो आंसर आता है वो हमें यहाँ पे बॉक्स में लिखना है सो फर्स्ट इज फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है कि द पोएट वेन टू रन अवे फ्रॉम द यानी वेंट रन कहा से दौड़ने कहा से दौड़ने के लिए है? बोल रहे हैं सिटी कंट्री हिल या लेन तो आंसर आएगा ए सिटी देन टू नंबर है द पोइट वेंटर्स टू रन आउट द तो कहा से बाहर दौड़ कहाँ से दूर दौड़ने के लिए बोल रहे है सिटी हिल साइड कंट्री या लेन तो हमें कहाँ से बोल रहे हैं सी कंट्री से बाहर दूर दौड़ने के लिए बोल रहे है थर्ड नंबर है

लिटल इच लिटल बीज फाइव नंबर है वी शुड रन एंड बी 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 मैरी ट्राइड फ्रेश तो क्या होगा वी शुड रन एंड दौड़ के हमें क्या हो जाना है तो बी है बी मैरी मतलब हैप्पी तो आएगा ए तो ये हो गए आपके राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्ड दिए गए हैं उसके मीनिंग्स लिखते हैं तो बी ब्रीज बी आर डबल ब्रीज तो वाइंड वाइंड मतलब हवा हवा ब्रीज ऑल द लिटिल बीज यानी हर एक क्षण हर एक ह, हवा का जो खा हर एक हवा का जो एक एक वो होती है ना छोटी से छोटी हवा की उसके साथ दौड़ना है फिर मीडो मीडो मतलब फील्ड फील्ड मैंने जो बताया ना कि घास होती है वो फील्ड मीडो मतलब मैरी मतलब हैप्पी ये हम वर्ड्स हम पोयम में पढ़ चुके हैं देन है, है नशरुद्दीन एम नशरुद्दीन एम लेसन के क्वेश्चन आंसर से आंसर द क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन है वट डिड नशरुद्दीन बोस्ट अबाउट यानी नशरुद्दीन क्या ढीगे हाँक रहा था बोस्ट मतलब हाँकना वो क्या डिंगे हाँ रहा था द नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट स्किल स्किल इन वो अपनी अपनी जो निशाना होता है ना निशाना ताकना उसकी ढींगे हाक रहा था देन सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वाई डीड फ्रेंड डू द डू टू टेस्ट नसरुद्दीन स्किल नसरुद्दीन का स्किल टेस्ट क्यों करना चाहते थे उसके फ्रेंड्स So, यहां पे आंसर है और फ्रेंड की वो बो एंड सम एरो टू नसरुद्दीन एंड आस्क हिम आस्क हिम टू एम एट टारगेट तो एंड शूट एंड एरो तो नसरुद्दीन के फ्रेंड्स ने क्या किया कि उसको कुछ एरो और बो दिया और बोला कि यहाँ पे जो टारगेट बताया वहाँ पे शूट करो देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है

माई एम द थर्ड टाइम नशरुद्दीन ने तीसरी दा, तीसरी टाइम ये मेरा एम था ऐसा क्यों कहा क्योंकि उसने दो बार पहले दो बार अपने फ्रेंड्स का नाम लिया था पर तीसरी बार अपना आप अपना नाम क्यों लिया तो आंसर है नशरुद्दीन सेड इट वॉज माई एम दैट थर्ड टाइम बिकॉज ही हैड हिट राइट टारगेट क्योंकि उसने क्या किया तीसरी बार गलत ही से बायेक निशाना सही जगह पे लग गया इसलिए उसने तब क्या बोला कि ये मेरा एम था तो उसने अपना नाम इसीलिए लिया देन फाइव नंबर है डू यू थिंक नशरुद्दीन वॉज गुड एट आर्ची वो आपको लगता है कि नशरुद्दीन अच्छा है आर्ची में यानी निशाना लगाने के लिए तो नो आई डू नॉट थिंक नशरुद्दीन वॉज गुड गुड इन नसरुद्दीन वॉज गुड इन आर्ची मुझे नहीं लगता कि नसरुद्दीन निशाना लगाने में अच्छा है देन सेकंड क्वेश्चन है उसमें राइट करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स यानी हमें सेम आगे की तरह ए बी सी डी में से करेक्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है और आंसर लिखना है तो फर्स्ट है नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट ही स्किल इन ब्लैंक यानी उसने किसके कौन सी चीज के लिए अपने डींगे हाकी थी बोस्ट अबाउट यानी डींगे किसके लिए हाकी तो इट्स बी आर्चिव यानी निशाना लगाने के लिए देन सेकंड नंबर है व्हाट डिड अ फ्रेंड गिव नसरुद्दीन नसरुद्दीन को उनके फ्रेंड्स ने क्या दिया अ बो एंड सम एरो ए आई का अ बो एंड सम एरो देन थ्री नंबर है नसरुद्दीन फ्रेंड्स लाफ्ट एट हिम बिकॉज़ नशरुद्दीन के फ्रेंड रूल्स पे हंस रहे थे क्यों क्योंकि द एरो डिड हिट डिड नॉट हिट द टारगेट तो सी आएगा क्योंकि टारगेट पे निशाना नहीं लग रहा था इसलिए उसके फ्रेंड्स हंस रहे थे उसके बाद है फोर नंबर है कि हाउ डिड नशरुद्दीन डिफाइल हिमसेल्फ नशरुद्दीन अपने आप को क्यों बचा रहा था बिकॉज़ फोर आंसर इज बाय टेकिंग समवन एज़ टीम वो अपने आप को कैसे बचा रहा था तो दूसरों का नाम लेके वो अपने आप को बचा रहा था तो आएगा डी उसके बाद है नंबर द टारगेट फ्रेंड वेयर ब्लैंक तो उसके फ्रेंड्स क्या हो गए बी अमेज्ड हो गए ओके तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑल्टरनेटिव देन क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट द नेम ऑफ द वर्ड यानी हमें मीनिंग ऑफ द वर्ड यानी हमें मीनिंग लिखने हैं वर्ड्स के तो फर्स्ट है एम एम मतलब टारगेट आर्ची मतलब शूटिंग विथ अ बो एंड एरोन है गैप्ड तो गैप का क्या आएगा ओपन तो ये हो गए हमारे मीनिंग्स देन लेट्स लर्न मोर है उसमें है कि राइट टू राइमिंग वर्ड्स हमें यहाँ पे टू राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं तो प्लीज का प्लीज आएगा तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बट प्लीज का आएगा कीज एंड डीज फिर है लेन लेन डेन ओके Then post है, तो पोस्ट का क्या आएगा बोस्ट गोस्ट फिर है एरो, एरो का नरो का क्या है स्टेर चेयर तो ये हो गए हमारे टू राइमिंग वर्ड्स धैन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ ई और डबल ई और डबल ई से हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं यानी ये सारे स्पेलिंग्स ऐसे है जिसमें डबल ई या इ आएगा तो फर्स्ट है वो है एस एच E पी शिप दूसरा है शिप मतलब जो शिप होता है वो घेटा उसके बाद है सांस चिड़ाना एल एल मतलब छोड़ना फिर ब्रीज ब्रीज मतलब हवा का एक एक जो होता है ना क्षण वो देन टीज टी टीच टीच यानी सिखाना सीड एस डबल सीड मतलब जो सीड्स होते हैं वो दाने मीडो मीडो का मतलब घास जो हरियाली होती है वो क्वीन क्वीन मतलब रानी ड्रीम ड्रीम मतलब सपना देन फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब विथ आई एन जी आई एन जी के साथ हमें क्या करना है फिलिंग द ब्लैंक्स लिखनी है वो कैसे तो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं हमें उसके मुताबिक हमें सामने आई एन जी लगा के वर्ड्स स्पेलिंग लिखने हैं और सेंटेंस कंप्लीट करना है ओके द सीटल वॉज ब्लैंक द डोर तो क्लोज आई क्लोज का क्या क्या हो जाएगा क्लोजिंग सी एल ओ एस आई एन जी क्लोजिंग देन द बॉयज आर ब्लैंक इन द रिवर तो स्विम तो क्या आएगा स्विमिंग एस डब्ल्यू आई एम आई एन जी स्विमिंग टीना इज ब्लैंक ऑफ हॉर्स तो टीना राइड का क्या हो जाएगा राइडिंग आर आई डी आई एन जी राइडिंग द चिल्ड्रन आर ब्लैंक अंडर द ट्री तो क्या आएगा सीट का सीटिंग वी वेर ब्लैंक इन द गार्डन तो प्ले का क्या हो जाएगा प्लेइंग द टीचर वॉज ब्लैंक अ पोएम तो टीचर वॉज टीच का क्या हो जाएगा टीचिंग टी ए सी एच आई एन जी टीचिंग सेवन नंबर है रश्मि वॉज ब्लैंक लेटर तो क्या हो जाएगा राइट का रिटर्न डब्लू आर आई टी आई एन राइटिंग डब्लू आर आई टी आई एन जी राइटिंग अमन इज ब्लैंक द केक तो कट का क्या हो जाएगा सी यू डब्ल टी आई एन जी कटिंग ये हो गई हमारी ब्लैंक्स देन नेक्स्ट है राइट क्वेश्चन विथ वॉट वेर हाउ मैनी टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज क्वेश्चन एस बिलो यानी जो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिए सेंटेंस दिए हैं उसके नीचे अंडरलाइन है उस वर्ड को uh, को ध्यान में रख के यहाँ पे व्हाट वेयर हाउ मेनी को यूज करके हमें क्वेश्चन बनाने हैं hmm. तो देयर आर टेन मार्बल्स इन ग्लास फर्स्ट है वो है देयर आर टेन मार्बल्स इन द ग्लास तो हम क्वेश्चन बनाएंगे हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन ग्लास देन सेकंड है नितिन इज लर्निंग इंग्लिश नितिन इंग्लिश सीख रहा है तो क्वेश्चन क्या बनेगा व्हाट इज नितिन नितिन डूइंग नितिन क्या कर रहा है देन अभय इज रीडिंग अ स्टोरी तो उसका क्या होगा व्हाट इज अभय रीडिंग अभय क्या पढ़ रहा है तो जो अंडरलाइन है वो उसके आंसर है तो हमें उसको निकाल के एक क्वेश्चन बनाना है ओके okay? जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे फाइव नंबर है जॉय इज बाई बाय टू पेन्स तो हाउ मेनी पेन इज जॉय बाइंग नंबर है हमारा द पोय पोयम इज सॉरी द प्यून इज रिंगिंग द बेल तो व्हाट इज प्यून डन

हाउ मैनी डोट बुक्स हैज मीटा देन नाइन नंबर है द थीफ इज हाइडिंग इन द कपबोर्ड तो आंसर आएगा वेर इज द थीफ हाइडिंग उसके बाद टेन नंबर है अमर एंड चेतन आर प्लेइंग टेनिस तो आंसर आएगा वेर इज अमर एंड चेतन प्लेइंग तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे ओके देन फाइव नंबर है ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग एंड और बट एंड और बट को यूज करके क्या बनाना है सेंटेंस बनाने हैं। दो है, है, से. तो सेंटेंस है उसको मर्ज करना है एंड और बट से तो फर्स्ट सेंटेंस है हर्ष वर्कड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड तो एंड बट से जोड़ेंगे इसको हर्ष वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड यानी दोनों के बीच में बट आएगा देन सेकंड नंबर है आई वैंट टू लाइब्रेरी आई रीड सम बुक्स मैं लाइब्रेरी जाता हूँ क्योंकि कुछ बुक्स पढ़ने के लिए तो आएगा आई वेंट टू द लाइब्रेरी एंड आई रीड सम बुक्स मैं लाइब्रेरी जाता हूँ और कुछ बुक्स पढ़ता हूँ देन थ्री नंबर है आई गॉट अ प्लेट आई डिड नॉट मिस द बस तो बनेगा आई गॉट अ प्लेट एंड आई मिस द बस मैं लेट उठा और इसी वजह से मेरी बस मिस हो गई रामू विल गो टू द मार्केट ही विल बाय वेजिटेबल्स रामू मार्केट जा रहा है क्योंकि उसे सब्जी खरीदनी है तो क्या होगा रामू विल गो टू द मार्केट एंड ही विल बाय वेजिटेबल्स जॉय इज सिंगर जॉय इज अजय इज सिंगर जॉय और अजय सिंगर है तो क्या होगा जॉय एंड अजर आर सिंगर्स ओके एंड से जोड़ेंगे एंड यहाँ पे लगेगा दोनों के नाम के बीच में यहाँ पे देखा है सिक्स नंबर का है। अतुल इज क्लेवर ही डज नॉट लाइक स्टडी अतुल हर्षियर है पर उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता तो अतुल इज क्लेवर बट ही डज नॉट लाइक टू स्टडी देन सेवन नंबर है राइट राइट फास्ट गिव योर नोटबुक टू द टीचर जल्दी लिखो और अपनी नोटबुक टीचर को दे दो तो आएगा राइट फास्ट एंड गिव योर नोटबुक टू द टीचर एट नंबर है कि इट इज़ इट इज रनिंग आई हैव टू गो टू स्कूल तो इट इज़ रनिंग बट सॉरी इट इज रेनिंग यहाँ पे रेनिंग है माई मिस्टिक इट इज रेनिंग आई हैव टू गो टू स्कूल तो यहाँ पे आएगा इट इज रेनिंग बट आई हैव टू गो टू स्कूल रेन हो रही है बारिश हो रही है पर मुझे स्कूल जाना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे है राइट टेन सेंटेंस ऑन माई फेवरेट गेम माई फेवरेट गेम के बारे में हमें टेन सेंटेंस लिखने हैं तो हॉकी इज माई फेवरेट गेम game it is the national game of india it is very fast game played by two theme, team each team has 11 players it is played with a hockey stick and ball all the players in a team try to score a goal by hitting the ball into the net of the other team The goalkeeper of the other team tried to stop the goal. Hockey is a very interesting game. I love it. तो ये हॉकी गेम के बारे में टेन सेंटेंस hai जो आपको लर्न करने हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए आपको कुछ और गेम के बारे में लिखना है तो भी लिख सकते हो तो इसके बारे में मैं समझाती हूँ हॉकी मेरा फेवरेट गेम है इट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया ये इंडिया का नेशनल गेम है इट इज अ वेरी फास्ट गेम प्लेड टू टू टीम्स यानी वो दो टीमों के बीच में खेला जाता है और वो बहुत फास्ट खेला जाता है इच टीम हैज इलेवन प्लेयर्स दोनों टीम में इलेवन इलेवन प्लेयर्स होते हैं इट इज प्लेड विथ अ हॉकी स्टिक एंड बॉल हॉकी स्टिक और बॉल से खेला जाता है ऑल द प्लेयर्स इन द टीम बास्केट में यानी उसमें जाने दे टीम गोल कीपर ऑफ दीम ट्राई टू स्टॉप द गोल यानी दूसरी टीम का गोलकीपर जो बना होता है वो ट्राई करता है सामने वाली टीम का बॉल हिट ना हो हॉकी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम आई लव इट हॉकी बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ है। है यहाँ पे राइट द नेम ऑफ द स्पॉट एंड गेम यानी यहाँ पे स्पोर्ट्स और गेम के कुछ नाम दिए हैं उसमें से आपको पिक्चर के नीचे उसका परफेक्ट नेम लिखना है तो बॉक्स में है चेस बॉक्सिंग खो खो आर्ची साइकिलिंग टेबल टेनिस फुटबॉल बैडमिंटन बास्केटबॉल क्रिकेट हॉकी एंड स्विमिंग ये सारे नाम हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पिक्चर किस गेम का है तो फर्स्ट है आर्ची ए आर सी एच आर -E आर्चरी देन हॉकी उसके बाद है ये फुटबॉल उस ये स्विमिंग चेस साइकिलिंग ये हो गए नाम अभी आके आगे है उसके बाद का पिक्चर है वो किसका है बॉक्सिंग टेबल टेनिस बास्केटबॉल, बैडमिंटन क्रिकेट खो खो तो इस तरह से आपको ये सारे गेम्स के नाम लिख लेने हैं ओके okay? सो so, यहाँ पे हमारा लेसन नशरुद्दीन जो है स्टोरी उसके क्वेश्चन आंसर्स और वो फिनिश हो रहा है आगे कहा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू ऑल्सो राइट इन योर वर्क बुक एंड लर्न इट बाय बाय